जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लगभग पर्यावरण के 45 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और रोज की तरह आज भी आपकी कक्षा 6:30 बजे यथावत स्टार्ट हुई। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक करें। शाम को 6:30 बजे आपकी पर्यावरण की कक्षा होती है। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमपी टेट हो, चाहे रीट हो, चाहे CTET एग्जाम हो या फिर पर्यावरण से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, प्रश्न होंगे वन लाइनर, लेकिन आपसे टेस्ट रूप में पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो है मैंने विस्तृत अध्ययन भी आपको पर्यावरण का करवाया है, साथ ही बहुविकल्पीय प्रश्नों का भी अध्ययन करवाया है। प्लेलिस्ट में जाकर देखें और इस प्रकार से सब्सक्राइब का बटन दिया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है और ऑल पर क्लिक करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये टेस्ट। सभी लोग तैयार हैं? इससे पहले हमने 45 प्रश्नों की यहाँ पर जो 45 प्रश्न है इन पर चर्चा की थी पिछले वीडियो में। ठीक है, अब इस वीडियो में उसके आगे पढ़ेंगे। आपका पहला आज का जो प्रश्न है, राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना कब बनाई गई? तो कब बनाई गई राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना? चार विकल्पों के माध्यम से यहाँ पर, चार विकल्प नहीं बल्कि वन लाइनर प्रश्न है। तो राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना कब बनाई गई हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों 2008 में। कब बनाई गई? 2008 में बनाई गई। और जैव विविधता दिवस तो सभी को पता है कि 22 मई को मनाया जाता है, और ये जो जैव विविधता कार्य योजना बनाई गई तो ये 2008 में बनाई गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने नागरिकों को नवंबर 2015 में नारंगी प्रदूषण की चेतावनी जारी की? तो किस देश ने की थी आपको बताना है। नारंगी प्रदूषण जारी करने की सूचना जारी की थी, प्रश्न क्रमांक 47 का उत्तर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो राइट आंसर होगा दोस्तों चीन ने जो है 2015 में नारंगी प्रदूषण की चेतावनी जारी की थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? तो किस देश को जाना जाता है आपको 48 का आंसर बताना है यहां पर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, भूटान को कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है, याद रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? प्रश्न क्रमांक 49 है, इसके पहले का पाठ जरूर आपको देखना है। और जो आपका उत्तर होगा वो होगा छाता विधान। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, इसे छाता विधान के रूप में भी जाना जाता है, तब आपको याद रख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? प्रश्न क्रमांक 50 का आंसर बताना है। ओजोन परत के बारे में सभी लोग जानते हैं कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत हमारी रक्षा करती है, और अंटार्कटिका में ओजोन परत में छिद्र हुए हैं, और सर्वाधिक विनाश जो होता है ओजोन परत में किस माह में होता है अंटार्कटिका में? तो सितंबर तथा अक्टूबर। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में ये जो है विनाश होता है। अगला क्वेश्चन देख लो, दम घोटू गैस किस गैस की उपमा है, या किस गैस को दम घोटू गैस भी कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 51। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहा जाता है, ठीक है, याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? आपको पता है 2-3 दिसंबर जो है 1984 को ये घटना हुई थी, और ये बहुत ही दुखद घटना थी, और इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा 52 का। बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट है, रामसर सम्मेलन संबंधित है तो किससे संबंधित है? 53 का आंसर आपको बताना है। अगर आप निश्चित रूप से उत्तर दे पा रहे हैं, है ना, लास्ट में बता देना कि सर हमने इतने जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो सही बताए हैं, तब आप आकलन कर लेना कि बिना ऑप्शन के भी अगर उत्तर बता रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। रामसर सम्मेलन संबंधित है, तो ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है। ठीक है, आर्द्र भूमियों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है रामसर सम्मेलन। अगला है, विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? 54 का आंसर हमें बताना है, विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 फरवरी को।
2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला है मेधा पाटकर संबंधित हैं। आपने कई बार नाम सुना है मेधा पाटकर का, ये किससे संबंधित हैं? प्रश्न क्रमांक 55 का आंसर आपको बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है मेधा पाटकर। ठीक है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है चिल्का झील स्थित है तो कहां पर स्थित है? 56 का आंसर बताना है। और ये सबसे बड़ी लैगून झील मानी जाती है चिल्का झील, और ये कहां पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 57 का आंसर बताना है। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। जो भी साथी टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, उसमें सर्च करो IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है खेती की सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली है तो कौन सी है? खेती की सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली कौन सी है? 58 का आंसर बताना है हमें। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? झूम कृषि। ये खेती की सर्वाधिक प्रचलित जो है, सर्वाधिक जो प्राचीन प्रणाली मानी जाती है वो झूम कृषि मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपको पता है दूषित जल के सेवन से टाइफाइड रोग होता है ना, और एक इस रोग के कारण शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? 59 का आंसर हमें बताना है। मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया है कि कौन सा रोग किस जीवाणु से होता है, कौन सा विषाणु से होता है, ये ट्रिक के माध्यम से बताया, तो वो जरूर देखेंगे। और टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों नीली क्रांति संबंधित है तो किससे संबंधित है? कई बार आपने पढ़ा है 1966-67 में ये जो नीली क्रांति, सॉरी हरित क्रांति आई थी 1966-67 में, लेकिन नीली क्रांति की अगर बात करें तो नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। किससे है? मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, नेक्स्ट है पीसी कल्चर संबंधित है तो किससे है? 61 का आंसर पीसी कल्चर आपको बताना है, ये किससे संबंधित है? कमेंट में फटाफट से सभी लोग लिखा करें। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? पीसी कल्चर संबंधित है मछली पालन से। ठीक है, पीसी कल्चर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो कौन सी मृदा है जिसका निर्माण होता है लावा द्वारा? जल्दी से कमेंट में लिखें। प्रश्न क्रमांक 62 का आंसर, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। काली मिट्टी का जो निर्माण है वो होता है किसके द्वारा? लावा द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? पृथ्वी का अपमार्जक आपको बताना है, 63 का आपको उत्तर बताना है, तो जल्दी से बताएं। पृथ्वी का मैतर भी कहा जाता है ना, पृथ्वी का अपमार्जक भी कहा जाता है, तब आपका उत्तर होगा जीवाणु और कवक। ठीक है, ये पृथ्वी के अपमार्जक होते हैं जो कि सड़े गले पदार्थों को अपघटित करके मिट्टी में मिलाते हैं, इन्हें अपघटन कर्ता भी कहा जाता है, अपघटक भी कहा जाता है, तो जीवाणु और कवक 63 का उत्तर आपका होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? सभी लोग बताएंगे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? 64 का आंसर, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा नागपुर में। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान भी नागपुर में है, पर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान भी कहां पर है? नागपुर में है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखेंगे। और राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में, वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम आपको बताना है ये कब बना। प्रश्न क्रमांक 65, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 1974। कब बना? 1974 में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों वर्मी कल्चर संबंधित है तो किससे संबंधित है? 66 का आंसर बताना है, वर्मी कल्चर। आपने पढ़े हैं पीसी कल्चर, वर्मी कल्चर, सीपी कल्चर, ये सारे के सारे कल्चर पढ़े हैं, और वर्मी कल्चर संबंधित होता है केंचुआ का उत्पादन, केंचुआ के उत्पादन से संबंधित होता है। ठीक है दोस्तों, झीलों का देश किसे कहा जाता है? आपने कई बार पढ़ा होगा
कि झीलों का देश किसे कहा जाता है, जल्दी से कमेंट में लिखें, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, फिनलैंड। फिनलैंड को कहा जाता है दोस्तों झीलों का देश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसानों का देश समुद्र की रानी किस देश को कहा जाता है, प्रश्न क्रमांक 68 का आंसर, किसानों का देश और समुद्र की रानी किस देश को कहा जाता है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, फ्रांस। फ्रांस को किसानों का देश और समुद्र की रानी कहा जाता है। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है, ठीक है, पेरिस, तो याद रख लेना है ना। और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, वो भी पेरिस में है, ये चीज भी याद रखेंगे। वनों का देश किसे कहा जाता है, 69 का आंसर हमें बताना है, सभी को पता होने चाहिए ये छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं आपके, और क्या हो जाएगा, वनों का देश किसे कहा जाता है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कांगो। कांगो गणराज्य जो है वनों का देश, इसे कहा जाता है कांगो को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एलपीजी गैस रिसाव पता करने के लिए इसमें मिलाया जाता है, एलपीजी गैस में रिसाव पता करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, प्रश्न क्रमांक 70 का उत्तर बताना है आपको। घरेलू खाना बनाने में जो उपयोग की जाती है आपकी एलपीजी गैस, इसका रिसाव होता है और उसको पता करने में जो मिलाया जाता है वो क्या है, एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन जो है इसमें मिलाया जाता है, जिसके कारण एलपीजी गैस का रिसाव पता चल जाता है, जो कि दुर्गंध युक्त होता है, दुर्गंध है ना। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है, 71 का उत्तर सभी लोग बताएंगे, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा माना जाता है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन। मीथेन जो है वो क्या है, बायोगैस का प्रमुख घटक माना जाता है मीथेन, ठीक है, 71 का आंसर आपका मीथेन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, 72 का राइट आंसर, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, 73 का आंसर बताना है आपको, पक्षियों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, दक्षिण अमेरिका को किसे कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, 73 का आंसर। चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है, 74 का आंसर हमें बताना है, चीनी का कटोरा, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्यूबा। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। एक क्वेश्चन का उत्तर आप और बता देना, धान का कटोरा किसे कहा जाता है, धान का कटोरा, अभी चीनी का कटोरा हमने पढ़ा कि क्यूबा को कहा जाता है, लेकिन धान का कटोरा इसका उत्तर आप लोग बताएंगे कमेंट में, ठीक है। पोमोलॉजी संबंधित है तो किससे संबंधित है, 75 का आंसर बताना है, पोमोलॉजी ये किससे संबंधित है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, पोमोलॉजी संबंधित है फल के उत्पादन से, ठीक है, पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार हमें बताना है, 76 का आंसर, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पामीर का पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं विश्व हरित क्रांति के जनक, 77 का उत्तर बताना है, 1966-67 में ये भारत में हरित क्रांति आई थी, और भारत में तो जो माने जाते हैं वो स्वामीनाथन साहब माने जाते हैं, MS स्वामीनाथन, ठीक है, और विश्व में माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। अगला है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, 78 का आंसर लिखना है हमें, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, गेहूं, गेहूं की फसल है ना, गेहूं की फसल पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा गेहूं की फसल पर। अगला क्वेश्चन है, ककड़ी किस प्रकार की फसल मानी जाती है, आपको आपने पढ़ी होगी, रबी की फसल पड़ी है, खरीफ की, जायद की फसल, नगदी फसलें, इस प्रकार से आपको ककड़ी की जो किस प्रकार की फसल मानी जाती है, आपने 79 का जो उत्तर बताया है वो बताया जायद, ठीक है, जायद की फसल मानी जाती है ककड़ी, 79। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, हरित क्रांति की शुरुआत बताना है, मैंने फसलों को ट्रिक से पढ़ाया है, ट्रिक वाला वीडियो देखें,
कि कौन सी रबी की फसल होती है, कौन सी खरीफ की फसल होती है, ट्रिक वाला वीडियो जरूर देखें। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो प्रश्न क्रमांक 80 का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 1966-67 में हुई और भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं M.S. स्वामीनाथन साहब। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना क्या कहलाता है? पृथ्वी और सूर्य, है ना, ए पृथ्वी है ना, और ए सूर्य है इस प्रकार से, और इसके बीच में अगर यहां पर चंद्रमा आ जाए तो ये क्या कहलाएगा, जल्दी से आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 81 का उत्तर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, सूर्य ग्रहण, है ना। पृथ्वी और सूर्य के बीच अगर चंद्रमा आ जाए तो वो कहलाएगा सूर्य ग्रहण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भूकंप मापन इकाई है तो भूकंप मापन की इकाई क्या है, 82 का आंसर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, रिएक्टर स्केल, रिक्टर स्केल पर ये भूकंप का मापन किया जाता है। अगला है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सभी लोगों को पता है कि समुद्र में जब तूफान आता है ना, और इसी समुद्र में जब भूकंप आता है इसी भूकंप को हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं, और सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो ये जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, गिद्ध संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? प्रश्न क्रमांक 84 का आंसर बताना, गिद्ध संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 2006 में, 2006 में गिद्ध संरक्षण परियोजना शुरू हुई। ठीक है, अगला है, शांत घाटी स्थित है तो कहां पर स्थित है? 85 का आंसर बताना है हमें, शांत घाटी कहां स्थित है? साइलेंट वैली, साइलेंट वैली कहां स्थित है? तो 85 का आंसर होगा केरल, कहां पर है? केरल। इस प्रकार से आप देखते होंगे ये भारत का नक्शा है और यहाँ पर एक केरल है पश्चिमी घाट। ठीक है, और ये पश्चिमी घाट में साइलेंट वैली है, जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है पश्चिमी घाट, है ना, और यहीं पर है क्या, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली या फिर शांत घाटी। अगला है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है तो कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय बताना है, 86 का आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय दोस्तों चेन्नई में है। नेक्स्ट है, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? किसानों का मित्र 87, अभी हमने पढ़ा था किसानों का देश, किसानों का देश हमने पढ़ा था फ्रांस को कहा जाता है, लेकिन किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा केंचुआ, केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, 87 का उत्तर केंचुआ। ठीक है, अगला है दोस्तों, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है तो किसे माना जाता है, भारतीय पारिस्थितिकी का, जल्दी से बताएं, 88 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? 89 का उत्तर हमें बताना है। तो पारिस्थितिकी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया वो किसने किया, और वो किया है अर्नेस्ट हेकेल साहब ने। ठीक है, अर्नेस्ट हेकेल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन दोस्तों, 10% नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? प्रश्न क्रमांक 90 का उत्तर बताना है आपको, 10% नियम देने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो कौन है? तब सभी लोगों को पता है लिंडमन, लिंडमन साहब ने 10% ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो कितने परसेंट होता है, 10% होता है, और ये 10% का जो नियम दिया है वो किसने, लिंडमन ने दिया है। अगला है, उर्मिल घास का मैदान स्थित है तो कहां पर स्थित है? 91 का आंसर बताएंगे सभी लोग, उर्मिल घास का मैदान कहां पर स्थित है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कर्नाटक, उर्मिल घास का मैदान स्थित है कर्नाटक में। नेक्स्ट है दोस्तों, हंगुल परियोजना की शुरुआत कब हुई? 92 का आंसर, हंगुल परियोजना की शुरुआत कब हुई? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 1970 में, कब हुई अंगुल परियोजना की शुरुआत, 1970। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? 93 का आंसर, जल्दी से कमेंट में लिखें, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है।
नेक्स्ट है डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, रविंद्र सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये कुछ क्वेश्चन है जो बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। धरती की पुकार पुस्तक के लेखक कौन है, 95 का आंसर बताना है ना। और ये सारी की सारी जो पीडीएफ है दोस्तों वो कहाँ मिलेंगी आपको, टेलीग्राम में मिलेंगी, ठीक है। मैं एक आध दिन आराम से आपको टेलीग्राम में सारी की सारी पीडीएफ डाल दूंगा। और धरती की पुकार पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, तो सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है आपका, जंगल अधिकार अधिनियम कब बना, जंगल अधिकार अधिनियम कब बना, प्रश्न क्रमांक 96। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 2007 में। कब बना, 2007। पार्वती घाटी स्थित है कहाँ, स्थित है। अभी हमने साइलेंट वैली पढ़ा था, शांत घाटी पढ़ा था जो केरल में थी, अब पार्वती घाटी आपको बतानी है। तो इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। एक सींग वाला गैंडा किस उद्यान में पाया जाता है, किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, एक सींग वाला गैंडा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो 98 का उत्तर होगा कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। हिम तिंदुआ परियोजना की शुरुआत कब हुई, 99 का उत्तर हमें बताना है। हिम तिंदुआ परियोजना की जो शुरुआत है वो कब हुई, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 2009 में। कब हुई, 2009 में, ठीक है। नेक्स्ट है वृक्ष मित्र किसे कहा जाता है, वृक्षों का मित्र या वृक्ष मित्र किसे कहा जाता है, प्रश्न क्रमांक 100 का उत्तर। अब आपकी बारी है और आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो सुंदरलाल बहुगुणा, इन्हें वृक्ष मित्र कहा जाता है, ठीक है। अब जल्दी से कमेंट में लिखें कि आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए और कितने प्रश्न आपसे सही बने हैं, आपने उत्तर बताने का प्रयास किया है। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग कमेंट में बताएं, और किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो जल्दी से कमेंट में लिखें, है ना। और वीडियो को सभी लोग लाइक भी करेंगे। और एमपीटेट ग्रेड 3 रीट एग्जाम या फिर सीटीईटी एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये रामबाण वीडियो है, और इसी प्रकार से आपकी सीरीज चलेगी। रोज शाम को 6:30 बजे पर्यावरण और 7:30 बजे बाल विकास की कक्षाएं होती हैं। इसी प्रकार से जुड़े रहें सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल से, ठीक है। फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज हमारा IAS स्टडी ट्रिक नाम से है, ठीक है। फेसबुक पे आप सर्च कर सकते हैं सुमित जैन, ठीक है। तो फेसबुक से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से भी आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। तो सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और इसी प्रकार से जो सीरीज है वो निरंतर चल रही है, इस प्रकार से सब्सक्राइब का बटन दिया है उस पर क्लिक करें, बेल आइकन को दबाते हुए ऑल पर क्लिक करना है जिससे ऑल पर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट के माध्यम से बताना है, आपने आपको कितने नंबर मिले ये भी कमेंट के माध्यम से बताना है, और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर लेना है। और पर्यावरण के लगभग 200 वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाकर देखें, ये सेल्फ स्टडी क्लासेस चैनल का नाम है जो आपकी वीडियो के नीचे दिख रहा होगा जो आप देख रहे हैं, और उसमें आपको इस पर क्लिक करना है तो चैनल खुलेगा और ऊपर प्लेलिस्ट का बटन होगा, प्लेलिस्ट का बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने होगी जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जय हिंद।